ओके तो नया फोन लेना चाहते हैं। नया फोन लेने से पहले अपने बजट सेगमेंट में आप फोन ढूंढ भी लिया, उसके स्पेसिफिकेशन चेक कर रहे हैं। तो स्पेसिफिकेशन चेक करते वक्त आपको बॉडी डायमेंशन में 2.5D कर्व ग्लास के बारे में आज के टाइम में हर फोन में देखने को मिल जाएगा। तो आप कुछ कंफ्यूजन में होंगे कि मेरे लिए 2.5D कर्व ग्लास जरूरी है या नहीं है, या फिर ये होता क्या है एक्चुअली। तो आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ 2D ग्लास के बारे में, 2.5D कर्व ग्लास के बारे में, 3D कर्व ग्लास या 3D ग्लास के बारे में, जो कि आज के टाइम में आपको अपने फोन में, स्मार्टफोन्स में, फ्लैगशिप स्मार्टफोन में देखने को मिलते हैं। तो मेरा नाम है भानु प्रताप और मिस्टर डी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आप। शायद गौर किया हो तो टच स्क्रीन फोन्स में जो है आपको, अगर कुछ फोन्स ऐसे होते हैं जिन्हें सॉलिड पकड़ने में जो है साइड में जो एजेस होते हैं वहां पर आपको थोड़ी एक 90 डिग्रीज का एंगल आपको देखने को मिलता है, और कुछ फोन्स ऐसे होते हैं जो थोड़े जो जैसे ये स्क्रीन की सरफेस है, स्क्रीन की सरफेस और थोड़ा साइड की जिधर आपके वॉल्यूम के बटन्स वगैरह होते हैं तो वहां के बीच में 90 डिग्री का एंगल ना होकर थोड़ा कर्वनेस होती है। तो ऐसी जो कर्वनेस होती है वो आपको एक ग्लास की हेल्प से डेवलप की जाती है, यानी कि ग्लास जो ऊपर आपकी स्क्रीन है उसकी स्क्रीन को जो है एक्चुअली वो नीचे की सरफेस, जो मान लीजिए स्क्रीन अगर इतनी मोटी है तो नीचे की जो सरफेस होती है वो नीचे की सरफेस आपकी बिल्कुल प्लेन होती है, लेकिन ऊपर की सरफेस भी लगभग प्लेन ही होती है, लेकिन साइड से जो कॉर्नर्स होते हैं वो थोड़े इस तरीके से एजेस तक मुड़े हुए होते हैं। ऐसा आप एक एक्सपेरिमेंट में कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये आपने वाटर डाला, वाटर डालने का आप गौर करेंगे तो जो पानी फैल गया था उसके साइड साइड से जो है थोड़ी कर्व्ड एजेस बन चुकी है। तो ये जो कर्व्ड एजेस होती हैं, ये कर्व्ड एजेस आपके ग्लास में होती हैं ताकि आपके फोन को थोड़ा कर्वीनेस दी जा सके, जिससे कि आपके हाथ में अगर आप फोन होल्ड करें तो काफी अच्छी फीलिंग आए, अच्छी प्रीमियमनेस वाली फीलिंग आए, और ये काफी अच्छा वाकई में लुक देती है आपके स्क्रीन टू बॉडी कंपार्टमेंट, काफी अच्छा आपको एक डायमेंशन प्रोवाइड कराती है आपकी बॉडी में और काफी फोन अच्छा लगने लगता है इससे। तो ये जो ग्लास आपको देखने मिलता है जिसकी सरफेस नीचे से प्लेन होती है और ऊपर से थोड़ी कर्व होती है लास्ट में एजेस से, वो ग्लास आपका कहलाता है 2.5D कर्व ग्लास। और ये 2D कर्व ग्लास के बारे में बात करते हैं, 2D कर्व ग्लास बहुत ही सिंपल एक सीधा साधा ग्लास का स्लैब आप कह सकते हैं, स्लैब तो खैर मोटा होता है, एक छोटी शीट आप मान सकते हैं ग्लास की, जिसकी एजेस को जो है इस तरीके से मोड़ा नहीं जाता है बिल्कुल। आप जैसे कि इस मैंने अपने टैबलेट की एक एज की फोटो सॉरी वीडियो क्लिक की है, जिससे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि आपको जो है यहाँ पर बिल्कुल ही 90 डिग्रीज का एंगल आपको देखने को मिल रहा है। तो इसके ऊपर जो ग्लास लगा हुआ है वो 2D ग्लास है, यहाँ पर एजेस को सिर्फ इतना कट किया गया है ताकि वो आपके हाथों में ना छुपे, या जो ग्लास है वो आपके हाथ को कट ना करे, उसकी एजेस को स्मूथ सिर्फ बहुत ही ज्यादा प्रिसाइजली किया गया है। ऐसे में क्या होता है तो फीलिंग जो है काफी ऐसा लगता है जैसे हाथ में ईट या कोई ऐसा कोई मार्बल पकड़ा हुआ है, जिसकी जो एजेस है वो बहुत ज्यादा शार्प है 90 डिग्रीज के एंगल में। इससे ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ता, सिर्फ बॉडी की डायमेंशन से उनमें थोड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि इससे जो है आपको होल्ड करने में थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन क्योंकि अगर एजेस कर्व होंगी तो ऐसे में आपको फोन होल्ड करने में काफी आसानी होगी और काफी प्रीमियम फीलिंग आपको मिलती है। तो 2.5D कर्व ग्लास और 2D कर्व ग्लास आप समझ रहे होंगे। अब बात करते हैं 3D कर्व ग्लास के बारे में। तो 3D कर्व ग्लास जो है आपको देखने को मिलता है लेटेस्ट S8 Plus और बाकी बहुत सारे स्मार्टफोन्स हैं, जैसे कि S7 Edge, जिसमें कि आपको देखने को मिलती है स्क्रीन ये पूरी इस तरीके से नीचे की साइड मुड़ी हुई है। तो ऐसे में क्या करते हैं, उसकी जो स्क्रीन पैनल है, जो डिस्प्ले पैनल है, उसके ऊपर जो है टच स्क्रीन लगाई जाती है। वो टच स्क्रीन अब ऑब्वियसली यार इतना मोटा तो कोई नहीं बनाया, मान लीजिए इतनी अगर एजेस हैं, इतना ज्यादा नीचे तक है, तो ऐसे में इतना मोटा ग्लास लैब कोई नहीं बनाएगा। तो वहां पर किया जाता है इतनी पतली टच स्क्रीन को जो है ऐसे करके नीचे तक मोड़ दिया जाता है, जिससे होता ये है कि आपको एक 3D ग्लास देखने को मिलता है। सिर्फ पूरी बॉडी को ही मोड़ दिया जाता है ग्लास की, और वो जो ग्लास कहलाता है वो कहलाता है 3D कर्व ग्लास, जो कि आपको बेजललेस फोन्स में आजकल बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। सैमसंग ने बहुत ज्यादा अच्छा इसका एक एग्जांपल आपको दिया, जो कि आपके नोट 8 में, S8 में, S8 प्लस में, S6 एज में, S7 एज में और Xiaomi के कुछ फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स में भी ये चीज आपको देखने को मिलती है। तो डेफिनेटली ये चीज भी 3D कर्व ग्लास बहुत ज्यादा अच्छा है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद मैं आशा करता हूँ कि आपको 2D ग्लास, 2.5D कर्व ग्लास, 3D कर्व ग्लास या 3D ग्लास के बारे में आपको पता चल गया होगा, आपको इन तीनों बीच में कोई डिफरेंस पता चल गए होंगे क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको 2D ग्लास, 2.5D कर्व ग्लास,
3D कर्व क्या से 3D ग्लास के बारे में आपको पता चल गया होगा, आपको पता चल गया होगा कि डिस्प्ले फेस क्या होते हैं, और आगे से अब जब अपना फोन खरीदने वाले हैं तो यहाँ पर इसे देखने के बाद कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि डेफिनेटली ये चीज होती क्या है। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन मिलेगा जैसे दबाने से होगा ये कि मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और बराबर में मिलेगा एक बेल आइकन जैसे दबाने से होगा कि जब मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा और आपको वो वीडियो मिस नहीं करेगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और अपना ख्याल रखिए।